Good morning everyone. Welcome back to the online classes. Let's start here. Chapter number 10: Gravitation. Class in chapters 8 and 9, we have learnt about the motion of objects, right? And force as it is the cause of motion. We have learned that a force is needed to change the speed or the direction of motion of an object. Right? Class as we have given this statement, right, I will just uh, give you a, st a story here on the basis of this statement. We always observe that an object dropped from a height falls towards the earth, right? We know that all the planets go around the sun and the moon goes around the earth, right? In all these cases, you can understand here there must be some force acting on the objects and the planets on the moon is a न्यूटन को ग्रैस दैट द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज राइट यहाँ पर न्यूटन ने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि इन जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर मेंशन की गई हैं सभी के लिए एक फोर्स है जो कि सेम है राइट right? तीनों ही एक्टिविटी के लिए वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स अब ये फ़ोर्स कैसे आया उसके बेसिस पर मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी यहाँ पर डिस्कस करती हूँ न्यूटन के बारे में उसने क्या सोचा और क्या देखा राइट एज पर एन ओल्ड स्टोरी यू नो दैट दिस यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेज ऑल्सो वन नाइट न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री राइट इन एन एप्पल गार्डन सडनली एन एप्पल फेल ऑन हिम इफ इनिशियेटेड अ थिंकिंग प्रोसेस इन हिज माइंड ही थाट द एप्पल वॉज इनिशियली एट रेस्ट उसने ऐसा सोचा राइट एंड दस्ट पोजन का मतलब क्या है इट इज़ हैविंग जीरो वेलोसिटी सो इट्स सडनली स्टार्टड फॉलोइंग डाउन अगर सटन सटन स्पीड से वो नीचे की तरफ आ रहा है राइट right? तो यहाँ पर क्या हो रहा है देर वॉज अ चेंज इन एप्पल्स वेलासिटी राइट सिंस अ चेंज इन वेलासिटी वी नो दैट इज कॉल्ड एक्सिलरेशन यहाँ पर यह जो लॉ था ये भी हमें न्यूटन ने ही दिया है अबाउट द एक्सलरेशन जो उसने डेफिनेशन डिफाइन किया है इट मीन्स एप्पल हैज एन एक्जरेशन मोशन येस अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एन एक्सेलरेटेड मोशन इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ओनली वेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट राइट थर्स अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द एप्पल अब यहाँ पर न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है एक्जलरेशन मोशन तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्न किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो राइट लेकिन यहाँ पर उसने क्या देखा सडन चेंज देखा एप्पल के अंदर राइट एप्पल्स की वेलोसिटी के अंदर एप्पल में कोई चेंज नहीं था एप्पल का कलर वैसा ही था लेकिन यहाँ पर उसने चेंज देखा वेलोसिटी के अंदर राइट सो अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द एप्पल व्हेन इट फेल फ्रॉम द ट्री तो यहाँ से उसने कंक्लूजन निकाला अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जब एक्जन तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर क्या हो एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि एप्पल के ऊपर कोई एक, कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा है सो ही थॉट दैट अर्थ एक्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द एप्पल एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ विच दे फॉल टूवर्ड्स द अर्थ विद सम समलेन okay so he termed this force of attraction acting on all such bodies due to earth as gravity and the acceleration produced in them as acceleration due to gravity fine so in this chapter we shall learn about gravitation and the universal law of gravitation here we shall discuss the motion of object under the influence of gravitational फोर्स ऑन द अर्थ विच एज स्टडी हेयर हाउ द वेट ऑफ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस राइट लेट्स स्टॉक अबाउट फर्स्ट हेयर डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन क्या होता है किस तरह से उसने सोचा क्या जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है स्टोरी को मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ राइट एप्पल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है राइट right? उसको कैसे पता लगा बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैसे पता लगा बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बस आपको अपने दिमाग में रखना है ठीक है सो बाय दिस इंसिडेंट ही रिलेट दिस पर्टिकुलर स्टोरी विद द विद द मोशन ऑफ मून राइट ही थॉट इफ अर्थ कैन एक्जर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एप्पल देन इट मस्ट बी एग्जर्टिंग अ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑन द मून एज वेल ठीक है लेकिन उसने सोचा ऐसा कि अगर ऐसा होता है तो मून जो है वो अर्थ के टूवर्ड्स अर्थ के तरफ फॉल क्यों नहीं होता जैसे एप्पल ट्री से नीचे की तरफ गिर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ राइट तो उसके ऊपर उसने यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिया कि उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ठीक है और उसने इस फोर्स को नाम दिया क्या यहाँ पर उसने ये बताया कि ये जो ऐसा फोर्स लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है ये हो रहा है ग्रेविटी की वजह से ही टर्म दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन ऑल यहाँ पर हम केवल एप्पल की बात नहीं कर रहे हैं जितनी भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरती हैं अर्थ के टूवर्ड्स, राइट ऑल सच बॉडीज ड्यू टू अर्थ वी कैन से ही टर्म दिस फोर्स एज अ ग्रेविटी राइट सो द एक्जरेशन प्रोड्यूस इन दैम एज एग्जेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे कि मैंने आपसे बोला कि उसने ये इंसिडेंट रिलेट किया मोशन ऑफ मून से उसने सोचा कि अगर ऐसा हो रहा है एप्पल के साथ तो ऐसा मून के साथ भी होना चाहिए मून शुड ऑल्सो फॉल डाउन टूवर्ड्स द अर्थ लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा राइट सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन मून इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन राइट यहाँ पर जो अर्थ का जो फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि मून पर लग रहा है राइट right? ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए सर्कुलर मोशन क्या होता है आप देख लीजिए दिस पर्सन इज़ हैविंग अ रोप राइट एंड उसमें रोप में देखेंगे एक स्टोन है वो ऊपर की तरफ घुमा रहा है तो ये सर्कुलर मोशन बन रहा है सो so, आप यहाँ देख सकते हैं इस एक्टिविटी के अंदर क्या हो रहा है अ स्टोन डिस्क्राइबिंग हेयर अ सर्कुलर पाथ विद द वेलासिटी ऑफ अ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड सो so, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि जो भी अर्थ ऑफ uh, जो भी अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मून पर लग रहा है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन ऑफ मून के लिए ठीक है अराउंड द अर्थ अर्थ के चारों ओर ठीक है सो वी कैन फर्दर है कंक्लूडेड दैट इट इज़ नॉट ओनली दैट मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ राइट ये केवल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल मून ही रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ बट द अर्थ इट्स सेल्फ एंड अदर प्लैनेट्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन राइट सो हेयर वी कैन से अ बॉडी दैट रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इज सेट टू हैव अ सर्कुलर मोशन फॉर एग्जाम्पल मून अर्थ अदर प्लैनेट्स ऑल आर इन ऑल आर इन अ सर्कुलर मोशन चैप्टर फाइव में हमने डिस्कस भी किया था अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन राइट सर्कुलर मोशन होता क्या है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलॉसिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ वसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग बॉडी रिमेन्स द सेम हाउ एवर द डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट राइट since you can see here a change in the velocity it represents acceleration so this shows that uniform circular motion of moon earth and other planets are accelerated right Ex are accelerated motions fine and the force which keeps the moon moving around the earth because of what because of

इसने कितनी सेंचुरीज तक साइंटिस्ट को डिस्टर्ब किया राइट right? लेकिन एट द एंड न्यूटन ने एक ही चीज़ सजेस्ट की कि ये क्या है इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ विच ही टर्म्ड एज अ ग्रेविटेशन फाइन एंड दैट कॉज द एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन ऑफ मून अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स सो इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया जिसको उसने बोला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो यहाँ से क्या कंक्लूडेड हुआ लॉ universal law of gravitation let's understand here by this activity here this boy right in this figure you can see we have here a boy right when the boy rotates the stone the force that keeps the stone in a circular path is applied by the boy with his hand and this force acts on the stone through the rope okay and the direction of this force is from the stone towards the hand now we can say the direction of this force is from the stone towards the hand so this is an this is what this is an inward force right which is responsible for continuously changing the direction of motion of the stone okay अराउंड द सेंटर पॉइंट सेंटर पॉइंट क्या है जो कि उसके हाथ से बंधा हुआ है दिस कॉजिंग हेयर एग्जलरेशन इन द स्टोन नाउ द पॉइंट इज अगर ये बॉय इस रोप को छोड़ देता है तब क्या होगा राइट वेन द बॉय लीव्स द रोप दिस फोर्स इज रिमूव्ड course, इट force will be removed, and the stone breaks away from the circular path. and the stone now moves along a straight line path okay so we can consider here the situation where moon is moving in some particular direction along a straight line around earth right but there exists no force of gravitational attraction of earth so this situation is similar to the one when the boy released the rope at that moment we can say no force was acting on the stone and so it moved along a straight line path so this situation gives us moon would also continue to move in the same direction along the straight line fine so here you can see about the moon a straight line that meets the circle at one and only one point is called a tangent to the circle and straight line ABC is a tangent to, a, to the circle at a point B यहाँ पर आपको एक नया टर्म देखने को मिलेगा वो है tangent to a circle अगर किसी सर्कल को कोई लाइन पास करती हो जा रही है और मीट करती है टा सर्टेन पॉइंट ऑन द सर्कल at B the that segment will be considered as tangent to a circle okay so the motion of the moon around the earth is due to the centripetal force right and the centripetal force is provided by the force of attraction of the earth if there were no such force then moon would pursue a uniform straight uh, straight line motion it is seen that a falling apple is attracted towards the earth does the apple attract the earth think about it if so we do not see the earth moving towards an apple but why according to the third law of motion we know that apple does attract the earth but according to the second law of motion for a given force acceleration is inversely proportional to the mass of an object right so the mass of an Apple is negligibly small compared to that of the Earth. So, we do not see the Earth moving towards the apple. So, extend the same argument for why the Earth doesn't move towards the moon. In our solar system, all the planets go around the Sun, right? By arguing the same way, we can say there exists a force between the Sun and the planets. So, from the above facts, Newton concluded here.

तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था अगर आपने देखा हो एक नया टर्म आया है टेंजेंट टू अ सर्कल ठीक है अगर इसमें हम एक एरो दे दें एक ही तरफ ठीक है अगर ये एरो दे दें हम इसमें सपोज वी हैव सो वी हैव वन मोर Tangent right, one more tangent. Also, we have in the left side the arrow from moon towards earth shows here the gravitational force of earth on moon, and the direction of this force is from moon towards earth, as I told you here. सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है ये अ फोर्स दैट एक्ट्स टूअर्ड्स अ फिक्स पॉइंट एट विच द मोशन इज सेंटर्ड इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स ठीक है सेंट्रिपिटल का मतलब है सीकिंग सेंटर सीकिंग सेंटर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विच एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज ऑल्सो अ सेंट्रिपिटल फोर्स सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो मून है जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ ये क्यों करता है बिकॉज ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द अर्थ

केवल और केवल फोकस कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पर ठीक है ग्रेविटेशनल टर्म पर एनी थिंग ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑलवेज फॉल्स डाउनवर्ड ड्यूरिंग रेन रेन ड्रॉप्स फॉल डाउनवर्ड टूअर्ड्स द अर्थ क्यों ऊपर क्यों नहीं जाती हैं सोचो ऐसा इवन वेन वी स्लिप वी ऑल्सो फॉल डाउनवर्ड्स ऑन द अर्थ इवन इन द in fall session dry leaves of plants fall do uh, fall downwards on the earth even ripened fruits fall downward on the earth even a paras parachute falls in the downward direction towards the earth so in jitne bhi maine aapko yahan par conditions di hain isme हर एक चीज हर एक objects क्या हो रही है Earth पर नीचे की तरफ आ रही है राइट right? ऐसा क्यों सोचो इस बारे में All the objects are accelerated towards the earth here. And earth exerts a force of attraction on all the objects. Because of because of what? Because of which they are being pulled towards it. And this force of attraction of Earth on other objects is called gravity. Kya bolte sko? gravity. Okay. Now, according to the Newton's third law of motion, we can say every action there is an ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन थर्ड लो क्या कहता है मोशन का कि कोई भी अगर एक्शन होता है तो उसका अपोजिट रिएक्शन जरूर होता है राइट right? जो कि इक्वल होता है सो वी कैन से ऑल द ऑब्जेक्ट्स मैंशन इन द अबव गिव एन एग्जाम्पल वी कैन से इट एग्जर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अर्थ टू

दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन एंड द फोर्स विद विच दे एट्रैक्ट ईचर दर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एट ग्रैविटेशन जैसे कि यहाँ पर हमें अर्थ का अर्थ के बारे में एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया गया है उसको रिलेट करते हैं इससे ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहा जा रहा है सोलर सिस्टम में क्या है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ऑल द प्लानट्स गो अराउंड द सन राइट ऑल द प्लानट्स गो अराउंड द सन

इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अब मैं जैसे कि मैंने आपको कहा था वर्क एनर्जी चैप्टर के अंदर कि ग्रेविटी को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में अपने चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर टेन के अंदर तो अभी मैं पर पूरा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ आपको अबाउट द ग्रेविटी अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्ज्रेशन कैसे नीचे गिरा कैसे प्लैनट की तरफ आया कैसे सेंटिपिटल फोर्स वर्क कर रहा है ठीक है अब यहाँ पर एक डेफिनेशन अराइज हुई है ग्रेविटी क्या होती है इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन विद विच अर्थ टू अर्थ अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट टूअर्ड्स इट ओके अब यहाँ पर एक क्वेश्चन uh, आता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्ट जो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे अप्लाई हो रहा है कैसे रेस्पॉन्सिबल है ठीक है मैं का, अभी पीछे अपने पूरे डिस्कशन में डिस्कस कर चुकी हूँ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोल ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री जो कि न्यूटन ने सोचा था राइट इट विल ऑल्सो अकाउंट फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ राइट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स अब यहां से मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी जो कि आपको घर पर ट्राई करना है ठीक है आपको एक सर्टन हाइट पर खड़े होके क्या करना है एक स्टोन फेंकना है राइट आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड to throw a stone from your roof in a horizontal direction to the earth surface ठीक है नीचे एक तरफ डालो और उसका आप उस नीचे खड़े हो के उसका आप पाथ ऑब्जर्व करना हो स्टोन का जैसे वो नीचे आएगा राइट और उसको ड्रॉ करके देखो मैं आपको थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को ड्रॉ करके दिखाती हूँ यहाँ पर सपोज वी हैव एयर अ पर्सन

स्टोन फेंकेगा स्टोन फेंकने के लिए उसको अपना हाथों पर करना पड़ेगा ठीक है उसके हाथ में क्या है स्टोन है जैसे ही वो स्टोन नीचे की तरफ फेंकेगा तो आप देखेंगे ये जो स्टोन का जो पाथ है वो कुछ इस तरह से आएगा राइट सो जस्ट ट्राई जस्ट हेयर यू हैव टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द स्टोन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पर ये जो पाथ है इस स्टोन का ठीक है ये कुछ कर्व शेप का है इट इज़ बींग कर्व टूवर्ड्स द अर्थ ऐसा क्यों कि कर्व शेप में क्यों आ रहा है ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सीधा का सीधा नीचे चला गया वर्टिकल में बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द स्टोन आंसर इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द स्टोन यहाँ पर स्टोन पर क्या अप्लाई हो रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या अप्लाई हो रहा है स्टोन पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरी वन सो क्लास ऑन द बेसिस ऑफ टूडेज डिस्कशन आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू हेयर सम क्वेश्चन दैट यू हैव टू फिगर आउट यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन वॉट डू यू मीन बाय एक्जलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको आप एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ भी ठीक है और मेरी पर्सनल विंडो पर सेंड करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो